दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं संतोष होम्योपैथी रुड़की के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आपने सुना होगा खास करके छोटे बच्चों में कि उनके दिल में छेद होता है जिसको हम ASD बोलते हैं। तो इस छेद की वजह से क्या होता है कि उनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है या अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसके लिए वो लोग बड़ा परेशान रहते हैं। ये छोटे बच्चों में खास करके देखा जाता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि जो बच्चे 10-12 साल के होते हैं उनमें भी कई बार ये समस्या आती है। अगर बचपन में ना पता चले तो 10-12 साल की उम्र में पता चलता है। तो दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ती है और जिसकी वजह से माँ बाप घबरा जाते हैं और किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। उनको जाना भी चाहिए क्योंकि हार्ट की समस्या है और एक इमरजेंसी समस्या होती है। लेकिन अगर वो एलोपैथिक मेडिसिन दे रहे हैं उसके बावजूद भी उनकी हार्ट बीट कंट्रोल नहीं होती तो होम्योपैथिक की एक मेडिसिन स्पाइजीलिया 30 पोटेंसी की होम्योपैथिक मेडिसिन लें और उसकी 3-3 बूंदें, अगर आपका बच्चा छोटा है 1 से 1.5 साल का तो आप दिन में एक बार दें, और अगर आपका बच्चा 1-1.5 साल से बड़ा है तो 30 पोटेंसी की 2 से 3 बूंदें दिन में 2 बार या 3 बार भी दे सकते हैं आवश्यकता अनुसार। आपके बच्चे की जो दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ती थी वो धीरे धीरे